हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ के लिए अपने एटीट्यूड को नेगेटिव कर रखा है तो डेफिनेटली हमारे लिए अचीवमेंट्स को हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, एक ऐसा ही अचीवमेंट हम सब भी शामिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और वो है एक बहुत अच्छे और सुंदर सुडोल शरीर की काया को पाना। और उसके लिए हम बहुत सारे प्रयास भी करते हैं, लेकिन बहुत बार हमारी लाइफस्टाइल की गड़बड़ होने की वजह से हमारे शरीर में वसा जमा होने लग जाती है और फैट इतना ज़्यादा जमा हो जाता है कि हमारी टमी लटकने लगती है, हमारे हिप्स या हमारे बट्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, हमारी जांघों पर, हमारे कूल्हों पर वसा इतनी ज़्यादा जमा हो जाती है कि हमारा शरीर पूरा का पूरा डोल हो जाता है। सो ये सारे कारण अगर आप भी झेल रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद ने हमें हर चीज का सलूशन दिया है। और अगर आयुर्वेद की हम बात करें तो एक ऐसी विद्या जिससे रिजल्ट्स हमें चाहे देर से मिले, लेकिन इसकी वजह से हमारे शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि किन चार चीज़ों को मिला करके आप अपने घर में एक वेट लॉस या फैट कटर पाउडर बना सकते हैं, जिसको इस्तेमाल करके आप एक महीने के अंदर 2 से 3 किलो तक अपना फैट कम कर सकते हैं। सो है ना कमाल की बात। सो देर किस बात की है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, इस फैट कटर पाउडर को बनाने के लिए जो पहली जो चीज़ दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए, वो चाहिए ऑलिव सीड्स। ऑलिव सीड्स, जिसको हिंदी में हलीम सीड्स कहा जाता है, उसके अंदर बहुत सारा रेटिनोइक एसिड होता है, और रेटिनोइक एसिड अपने आप में साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि ये हमारे शरीर में जमा जो फैट है उसको रिड्यूस करके, उसको निकाल कर हमारे शरीर को सुंदर और सुडोल काया देने में हमारी मदद करता है। हलीम सीड्स के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर अगर फ्री रेडिकल्स हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में वजन कम नहीं हो रहा है, आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बहुत डाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका शरीर का वजन कम नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन के अंदर ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पाउडर को बनाने के लिए ऑलिव या हलीम सीड्स का इस्तेमाल करना। इसकी जो क्वांटिटी रहने वाली है वो रहेगी 100 ग्राम। नंबर 2 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए इस पाउडर को बनाने के लिए, वो है दाना मेथी। दाना मेथी जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पोटेंट जो एंजाइम्स हैं उनसे रिच होती हैं, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को, मतलब कि खाने से एनर्जी में बदलने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फास्ट कर देती है। जितना ज़्यादा तेज हमारा मेटाबॉलिज्म होगा, उतना ज़्यादा चांसेस है कि हमारा जो फैट है वो जल्दी से जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर फेनुग्रीक सीड्स या दाना मेथी को अपने इस पाउडर में ऐड करना। इसकी मात्रा जो रहेगी वो भी यहाँ पर 100 ग्राम ही रहने वाली है। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए, वो चाहिए अजवाइन। अजवाइन को आयुर्वेद में बहुत अच्छा डाइजेस्टिव जूस बनाने वाला एक इंग्रेडिएंट बोला गया है, मतलब कि हम जो भी खाते हैं उस खाने से पूरी एनर्जी लेने के लिए, उस खाने से पूरे के पूरे न्यूट्रिशंस लेने के लिए हमारे डाइजेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर अजवाइन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अजवाइन जो है वो हमें मदद करती है हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन को अच्छा करने के लिए। हमारे शरीर में अगर कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, फैट्स, बप्स जैसे कोई समस्या है तो उसे छुटकारा दिलाने के लिए। सो यहाँ पर जो अजवाइन हमें लेनी है वो लेनी है 50 ग्राम। नंबर 4 और नंबर लास्ट जो चीज़ दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए, वो चाहिए सहजने की पत्तियों का पाउडर, जिसे कहा जाता है मोरिंगा लीव्स पाउडर। बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, मैं भी आपको परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा। सो मोरिंगा लीव्स जो पाउडर है वो बहुत ज़्यादा प्रूवन है कि वो हमारी बॉडी के अंदर फैट कटिंग का काम करता है। वजन आपका किसी भी रीज़न से बढ़ा हो, चाहे प्रेगनेंसी के बाद बढ़ा हो, चाहे मेनोपॉज के बाद बढ़ा हो, चाहे सर्जरी करने के बाद आप लंबे समय तक बेड रेस्ट पर रहे उसकी वजह से बढ़ा हो, या फिर बढ़ा हो डायबिटीज, थायराइड या किसी और बीमारी की वजह से, हर बीमारी में मोरिंगा लीव्स पाउडर हमारे लिए एक बेहतरीन विकल्प है हमारे शरीर में जमा चर्बी को, फैट को पिघलाने के लिए। सो मोरिंगा लीव पाउडर जो है वो भी हमें यहाँ पर चाहिए 100 ग्राम। अब इस पाउडर को बनाना कैसे है? सो इस पाउडर को बनाने के लिए जो हमने पहली जो 3 चीज़ें ली हैं, मतलब ऑलिव सीड्स या हलीम सीड्स, दाना मेथी और अजवाइन,
इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से पहले तवे पर रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करते समय ये चीज़ ध्यान रखें कि हमें इसके अंदर ना कोई घी, तेल या मक्खन का इस्तेमाल नहीं करना है, इसे ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने का मतलब है कि लगभग 3 से 4 मिनट तक आप इसे रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद आप इनका पाउडर बना लीजिए और ये जो पाउडर आपने बनाया है, इस पाउडर के अंदर अब आपने जो 100 ग्राम अपना मोरिंगा लीफ पाउडर लिया है, इस पाउडर को भी ऐड कर दीजिए। लीजिए, आपका वेट लॉस एंड फैट कटर पाउडर बनकर के तैयार है, जो आपको श्योरिटी से 1 महीने में 2 से 3 किलो वजन बहुत आसानी से कंट्रोल करके दे देगा। इस पाउडर को लेने के लिए बहुत आसान तरीका है, जितनी बार भी आप खाना खाते हैं, सुबह, दोपहर, शाम या दिन में 2 बार या 3 बार, आपको हर खाना खाने के बाद एक छोटी चमची, जिसको कि हम टीस्पून कहते हैं, इस पाउडर को मुंह में डालकर ऊपर से गर्म पानी पी लेना है। इसकी वजह से आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा, आपके शरीर में जो जमा फैट है वो भी बहुत इजीली मेल्ट होकर के आपके शरीर से बाहर आना शुरू हो जाएगा। इसे कम से कम आप 3 महीने करें, क्योंकि कोई भी चीज़ देखो मैजिक नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है कि आपने लिया और जादू हो गया। थोड़ा सा समय लगेगा, पेशेंस आपको रखना है, पेशेंस रखेंगे डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इस पाउडर को यूज करने के साथ साथ अपनी डाइट के पोर्शंस पर ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि हम ये पाउडर ले रहे हैं इसका मतलब कि हम खाने पर कंट्रोल ना करें। सो खाने के पोर्शंस को भी आपको कंट्रोल करना है। मीठा कम से कम आपको अपने रूटीन में ऐड करना है, ताकि आप अपने शरीर में फैट को बनने से रोक सकें। एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, अगर आप जिम नहीं जा सकते, आप योगा नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट वॉक कीजिए। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि घर में रह करके थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अपने आप को एक्टिव रखिए, दिन भर बेड पर ना बैठे रहिए, टीवी का रिमोट लेकर के ना बैठे रहिए, क्योंकि ये कुछ आदतें आपके शरीर को इतना ज़्यादा बीमार कर देंगी, जिसकी वजह से शायद आप अपने शरीर में बहुत सारी बीमारियों को इन्वाइट कर लेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी हिट कर दें, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम रोजाना इस चैनल पर पोस्ट करते हैं। अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, तो हमें फॉलो जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आप इसी तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं जो आपकी हेल्थ, आपकी ब्यूटी, आपकी फिटनेस से जुड़े हुए हों, तो आप हमारी वेबसाइट lavishiawellness.com पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलते हैं जो हम डेली बेसिस पर आपकी स्किन केयर, आपके हेयर केयर, आपके वेट लॉस, आपकी फिटनेस, आपकी हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, वो पब्लिश करते हैं। सो वेबसाइट को भी जरूर विजिट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मोटिवेशन जरूर दें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।